नमस्ते दोस्तों, मैं हूं भव्य बोरा और आप सबका स्वागत करता हूं शेयर इंडिया की यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दो चीजों के बारे में, एक तो फिन निफ्टी की एक्सपायरी जो कल थी उसके बारे में, और उसके बाद हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। चलिए हम सीधा चलते हैं, ये है फिन निफ्टी का चार्ट, 5 मिनट का चार्ट। सो ये है कल की मूव। सो दोस्तों, जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि कल फिन निफ्टी खुलते ही फिन निफ्टी ने अराउंड 925 वाली कैंडल में डे हाई बनाया था 19570 का, और उसके बाद फिन निफ्टी एटलीस्ट 1020 से लेके 2 to 15 तक एक रेंज में ही थी, जो थी 19550 से लेके 19500 तक। So, जब फिन निफ्टी मोर देन 3 आवर्स इसी रेंज में थी तब ऑप्शन सेलर्स का काफी अच्छा काम हुआ था, दोनों साइड प्रीमियम घिस रहे थे, थीटा डीके काफी अच्छा हो रहा था। और उसके बाद जैसे ही फिन निफ्टी ने 230 को डे हाई क्रॉस किया, उसके बाद हमें तेजी की मूव दिखाई दी। सो दोस्तों, अगर कल की मैं मेरी बात करूँ तो मेरे जैसे ऐसे बहुत सारे ट्रेडर्स थे जो, क्योंकि फिन निफ्टी मोर देन 3 आवर्स इसी रेंज में थी, उसके बाद जैसे ही फिन निफ्टी डे हाई क्रॉस किया और उसने तेजी की मूव दी, लोग या ट्रेडर्स वो तेजी की मूव उतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाए। मुझे कल 2:30 बजे तक 1% रिटर्न तो आ रहा था, बट क्योंकि मैं ये तेजी की मूव एक्सेप्ट नहीं कर पाया, मैं मेरी पोजीशंस वैसे शिफ्ट नहीं कर पाया, मेरा डे एंड ऑफ द डे जीरो या फ्लैट पे ही बंद हुआ है। और कल इसीलिए मेरे लिए बहुत अच्छी लर्निंग थी, मेरे साथ जितने भी लोग ट्रेड करते हैं उनका बहुत अच्छा काम हुआ है और मेरा नहीं हुआ है, क्योंकि मैं तेजी की तरफ शिफ्ट नहीं हो पाया और वो लोग शिफ्ट हो गए थे। एंड बीइंग अ ट्रेडर, मुझे एक्सेप्ट करना है और सबको ही ये एक्सेप्ट करना है कि देयर विल बी फ्यू बैड डेज जिस दिन आपका काम ना हो। सो इट्स सेम लाइक क्रिकेट कि अगर मैं बैटिंग कर रहा हूँ, मैं हर मैच में सेंचुरी तो नहीं मारूंगा, देयर विल बी फ्यू बैड डेज जब मैं 10 रन 20 रन भी आउट हो सकता हूँ। सो दोस्तों, ये थी कल की फिन निफ्टी की एक्सपायरी और मेरे लिए तो काफी अच्छी लर्निंग थी कल की, और मैं ये समझा कि अगर मैं बहुत जिद करूँ या फिर कोई भी पॉइंट को पकड़ के बैठूं, जैसे कल मैं 550 के पॉइंट को पकड़ के बैठा था और मैं शिफ्ट नहीं हो पाया तेजी में, तो फिर मार्केट आपकी जिद के हिसाब से तो नहीं चलने वाला है, आपको शिफ्ट होना ही पड़ेगा या फिर आपको मार्केट के हिसाब से चलना ही होगा। सो ये थी फिन निफ्टी की एक्सपायरी की लर्निंग। चलिए हम चलते हैं अब बैंक निफ्टी पे। तो ये है बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट। दोस्तों, लास्ट वीक के वीडियो में हमने बात की थी कि बैंक निफ्टी ये पॉइंट पे इंट्राडे हाई ब्रेक नहीं कर पा रहा है। बैंक निफ्टी का इंट्राडे ऑल टाइम हाई था 44151.80 और वो 10 पैसे से वहां से रिवर्स हो गया था। तो हमने ये प्रेडिक्ट किया था कि विद इन अ वीक बैंक निफ्टी एक गैप अप करेगा और वो गैप अप ही 44151 के ऊपर होगा और वो ऑल टाइम हाई को ब्रेक करेगा, जो कि बैंक निफ्टी ने किया। सो बैंक निफ्टी ने परसों यानी 29th को एक बड़ा गैप अप दिखाया और वो ऑल टाइम हाई के ऊपर ही बैंक निफ्टी ओपन हुआ और वहां से हमें एक नई रेंज मिली बैंक निफ्टी की ट्रेड करने की। इसके साथ दोस्तों, हमने एक और एक चीज डिस्कस की थी कि क्योंकि ये रेंज पे बैंक निफ्टी में हमें एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा था, तो हमने ये भी प्रेडिक्ट किया था कि जैसे ही बैंक निफ्टी गैप अप करके न्यू हाई ऑल टाइम हाई बनाएगा, उसके एक महीने के अंदर अंदर बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट्स की इंट्राडे शार्प फॉल की मूवमेंट दे सकता है। सो दोस्तों, क्योंकि हमारा ये पहला प्रेडिक्शन जो गैप अप का था वो अब हो चुका है, सो अभी मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बैंक निफ्टी जून मंथ की एक्सपायरी के पहले 1000 पॉइंट्स की शार्प फॉल की मूवमेंट दे। इसका मतलब बैंक निफ्टी जो 44300 के आसपास चल रहा है वो जाके एटलीस्ट 43300 43000 के आसपास एक बार हमें इस मंथ में दिखाई दे। दोस्तों, यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ, ये कोई रेकमेंडेशन नहीं है कि आपको कोई पुट बाय करना चाहिए या बैंक निफ्टी फ्यूचर को शॉर्ट करना चाहिए। मैं आपको सिर्फ मेरा एक प्रेडिक्शन बता रहा हूँ कि बैंक निफ्टी, मेरे को ऐसा लग रहा है कि एक दिन हमें 1000 पॉइंट की शार्प इंट्राडे फॉल की मूवमेंट यहाँ से मिलेगी। और मैं ये चीज इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे कोई भी ऑप्शन सेलर ट्रेडर्स
ये शार्प फॉल की मूवमेंट में फंसे और वो एक ही दिन में इतने बड़े पैसे लगा दे कि फिर पूरे मंथ में वो उनको सिर्फ रिकवर करना पड़े या फिर उनका मंथ वो एक दिन की वजह से बिगड़ जाए। सो दोस्तों, अगर आज की बात करते हैं तो अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, लाइव मार्केट चल रहा है, आज ही बैंक निफ्टी ने खुलते ही 44,300 के आसपास खुली थी और वहां से ऑलरेडी 300-350 पॉइंट की मूव दे दी है। क्या आज का वो दिन है जब हम वो शार्प फॉल देख सकते हैं, वो मैं नहीं बता सकता, बट यस मैं ये बता सकता हूँ कि ये रेजिस्टेंस जो हमें दिखा था, इस रेजिस्टेंस की वजह से शायद बैंक निफ्टी 43,000 इस मंथ में एक बार टच हो जाए। सो थैंक यू सो मच दोस्तों हमारे वीडियोस देखने के लिए। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए और शेयर इंडिया की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।